हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद द डीमन। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है उसका अंतिम पार्ट। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल से, जो कि हिस्ट्री का भी आपका अंतिम चैप्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, नानक की यात्राओं को क्या कहा जाता था? गुरु नानक की यात्राओं को उदासियां कहा जाता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे, गुरु नानक की शिक्षाएं क्या हैं? तो गुरु नानक की शिक्षाओं में एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना और गुरु की महानता, ये सभी गुरु नानक की शिक्षाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु नानक की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो देखिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। जपू जी, पट्टी, आरती, रहीराम और बारामास, ये गुरु नानक जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? तो गुरुमुखी लिपि का विकास जो है गुरु अंगद देव ने किया था, जो कि गुरु नानक देव के बाद के सेकंड गुरु जो है वो माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त नानक की वाणी को गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध कराया इन्होंने, लंगर प्रथा का प्रचलन किया, मंजिया की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी करवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, बादशाह अकबर किसके दर्शन करने गोइदवाल स्थान पर गए? ठीक है, अब ये याद रखना है, बिल्कुल नया है ये क्वेश्चन भी। बादशाह अकबर गुरु अमरदास के दर्शन करने के लिए गोइदवाल स्थान पर आए थे। अमृतसर शहर में विशाल सरोवर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर है, अमृत शहर में जो विशाल सरोवर का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था, अकबर ने ही इनको कुछ वीगा जमीन जो है वो दी थी, तो वहां पर इन्होंने विशाल सरोवर का निर्माण कराया जहां पर आज का गोल्डन टेम्पल बना हुआ है। नेक्स्ट है 1563 ईस्वी में तीर्थ कर किसके कहने पर अकबर ने हटाया था? तो हमने देखा था, जब हमने अकबर के बारे में पढ़ा था, कि अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ कर हटाया था, याद भी किया था हमने, लास्ट में 3 है, 3 को तीर्थ से याद रखना है। ठीक है, तो यह गुरु रामदास जी के कहने पर अकबर ने हटाया था। तो अकबर के टाइम पर सिखों के साथ अच्छे मेल मिलाप थे। गरीबों को दान देने की प्रथा का आरंभ सिखों के किस गुरु ने प्रचलन किया? तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो गुरु रामदास जी ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, सिखों के पांचवें गुरु कौन कहलाए? तो ये सीरीज जो है वो पूछी भी जाती है और मैं आपको ये करवा भी चुकी हूँ, जो भी आपके 10 सिख गुरु हैं, जो हमारे 10 सिख गुरु हैं उनके बारे में, तो वहाँ आप लास्ट वीडियो जो किसी चैप्टर्स में किए हैं हमने किसी क्लास में, वहाँ आप देख सकते हैं। सिखों के पांचवें गुरु कौन कहलाए? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो है वो सिखों के पांचवें गुरु कहलाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी? तो अकबर के टाइम पर सिखों के साथ अच्छे संबंध थे सिखों के जो गुरु थे, तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलाई थी। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? आदि ग्रंथ का संकलन करने वाले थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव के पुत्र का क्या नाम था? तो गुरु अर्जुन देव के पुत्र का नाम था हरगोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव के बाद कौन बने थे? हरगोविंद सिंह, जिन्होंने शैली की जगह दो तलवार धारण की, एक तलवार पीरी जो कि धार्मिक गद्दी इसका प्रतीक थी, दूसरी तलवार मीरी जो कि राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी। ठीक है, तो गुरु हरगोविंद के टाइम पर दो तलवार जो हैं जिनको पीरी और मीरी कहा गया, तो ये प्रतीक के रूप में धारण की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को जेल में बंदी बनाकर कहां रखा? तो जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को ग्वालियर में बंदी बनाकर रखा था। नेक्स्ट है, याद रखना है आपको कि कौन से सिख गुरु का कौन से मुगल सम्राट के साथ अच्छे संबंध
और खराब संबंध ये रहे थे, और किसने, कौन से मुगल सम्राट ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा दिलवाई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं गुरु तेग बहादुर द्वारा मजहब स्वीकार ना करने पर। औरंगजेब ने उनका सर कटवा दिया था, और उनका स्मारक कहाँ बनाया हुआ है? तो इनका स्मारक जो है वह बनवाया गया है दिल्ली में चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा नाम से। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो फर्स्ट गुरु नानक देव, और अंतिम गुरु जो कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। क्वेश्चन 17 है, नदौड़ के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसे पराजित किया था? नदौड़ के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने लाहौर के सूबेदार को पराजित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आदि ग्रंथ की संकलन किसने किया? खालसा पंथ की स्थापना की। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें सिख गुरु थे। चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के कौन से दो पुत्र शहीद हुए थे? तो चमकौर के युद्ध में अजीत सिंह और जुझार सिंह, जो कि गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे, ये शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? तो सिखों के जो गुरु थे उनके बारे में जो क्वेश्चन आप लोगों ने पहले नहीं ऐड किए हैं अपने नोट्स में, तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, और ये नए क्वेश्चन जो थे उनको आप शामिल कर लेना। बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? बंदा बैरागी को माधो दास कहा जाता था। नेक्स्ट है 21, बंदा बैरागी का जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार में हुआ था। क्वेश्चन 22, पंजाब के लोग सूबेदार वजीर खां के जुल्मों से बहुत परेशान थे, किस स्थान पर बंदा बैरागी ने वजीर खां की हत्या की? तो उस स्थान का नाम है छप्पर चिड़ी नामक स्थान। छप्पर चिड़ी नामक स्थान पर बंदा बैरागी ने वजीर खां की हत्या की थी, जो कि पंजाब में सूबेदारी के पद पर था, और इसके जुल्मों से लोग वहां के परेशान थे। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने सफर खां के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा के खिलाफ भेजा? किस मुगल बादशाह ने सफर खां के नेतृत्व में मुगल सेना को बंदा बैरागी के खिलाफ भेजा? तो वो मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? आंसर है 13 नवंबर 1780 ईस्वी में गुंजरावाला में रणजीत सिंह का जन्म हुआ। क्वेश्चन 25, पंजाब में अपना शासन स्थापित करने के बाद रणजीत सिंह ने कहाँ कब्जा किया? पंजाब में अपना शासन स्थापित किया उसके बाद रणजीत सिंह ने सबसे पहले 1799 ईस्वी में लाहौर पर किया, उसके बाद 1803 में अकालगढ़, 1804 में गुजरात, 1806 में अमृतसर, 1808 में फरीदकोट, मलेरकोटला व अम्बाला, 1818 ईस्वी में मुल्तान, और 1834 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि के बाद सतलज नदी के को पार के प्रदेश पर किसका अधिकार स्वीकार कर लिया था? तो हमने अभी देखा था बहुत क्षेत्रों पर रणजीत सिंह ने अपना कब्जा कर लिया था। तो 1809 ईस्वी की जो संधि हुई थी अमृतसर की संधि, इसके बाद सतलुज नदी के पार के जो प्रदेश थे यहाँ पर किसका अधिकार जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया था? अंग्रेजों का अधिकार जो है वो स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, किसे अकबर का अग्रगामी और पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो देखिए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी और पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो ये था आपका अंतिम प्रश्न, सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।